एफआईआर कौन लगेगा जी? आप क्या हो गया ये बिंदु ने कैमरा लूटे बहुत जोर दिया बिंदु की बीमार ये देख लो भाई फोन लूटे फोन तोड़ दिए फोन बिल्कुल खत्म कर दिया वो 50,000 का लेकर आया। तो हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज हम एक सीरियस टॉपिक पे बात करने के लिए आए हैं जो अभी यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। प्लीज भाई अरुण भाई मतलब हर किसी जो भी हमारी फेमस पर्सनैलिटी है ना यूट्यूब पे तो सबने वीडियो डाली हुई है। तो भाई हम भी एक छोटे यूट्यूबर हैं हमारे भी थोड़े बहुत सब्सक्राइबर्स हैं तो बस उन तक हम ये बात पहुँचाना चाहते हैं। अभी जो अरुण भाई के साथ जो हुआ है अरुण भाई के ताऊ के लड़के हैं अजीत पवार, अगर आपको नहीं पता पहली बात तो पता ही होगी सबको, तो बाकी मैं उसके साथ जो हुआ है ना वो काफ़ी ज़्यादा गलत हुआ है जो पर्सनली मैं फील करता हूँ। भाई आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से मेरी वीडियो नहीं आ रही है यूट्यूब पे, उसका भी रीज़न है मेरी जॉब लग गई। तो भाई आज कल रात को मुझे जब पता चला अरुण भाई ने वीडियो डाली है ये वाली तो भाई दिल से बुरा लगा। भाई बिल्कुल भाई के लिए फुल सपोर्ट है। भाई आपको बताऊँ, मैं आपको थोड़ी सी ये बता देता हूँ कहानी क्या क्या हुई थी। अजीत भाई ने ली है क्रेटा, ये मतलब यहाँ पर होटल के पास कोई एक शोरूम पड़ता है उसका हुंडई का, वहाँ से क्रेटा ली थी। तो क्रेटा लेने के बाद कुछ दिन बाद उसमें प्रॉब्लम आने लगी, उसका एसी नहीं चलता था नई नई गाड़ी में, मतलब 15-20 दिन बाद ही उसका दिक्कत आ गई नई गाड़ी में, एसी नहीं चलता था, उसका जो पुश बटन स्टार्ट था मतलब उसमें भी दिक्कत आ गई थी, वो काम नहीं करता था। तो भाई एक दिन पहले लेके गए थे अरुण भाई के साथ उसको, तो उन्होंने बोल दिया था कि सर मतलब इसके वो ख़राब है, तो उन्होंने मतलब वो रिजॉल्व कर दी थी उस दिन वाली प्रॉब्लम। तो उसके कुछ दिन बाद फिर से प्रॉब्लम आई। भाई अब एक बात बताओ, आप नई गाड़ी से 15-16 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, अब डेली ये प्रॉब्लम आएंगी तो भाई ये तो कहीं वो बात नहीं। तो भाई काफ़ी मतलब 2-3 चक्कर लगा दिए थे अरुण भाई ने भी लेके वहाँ पे उस हुंडई गाड़ी को लेके जो भी हमारी क्रेटा थी उसको लेके, तो उस वो प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं कर पाई। अभी लेटेस्ट में मतलब 11 मार्च की ये बात है, अजीत भाई हमारे जब उस शोरूम पर गए थे ठीक कराने के लिए कि भाई फिर से वो प्रॉब्लम आ गई थी कि भाई मेरी गाड़ी में ये वाली दिक्कत आ गई, तो उन्होंने भाई साफ साफ मना कर दिया था कि नहीं हम ये आपकी प्रॉब्लम नहीं कर सकते सॉल्व और आप प्लीज़ हमारे यहाँ से चले जाइए प्लीज़ वगैरह, तो भाई ऐसा कुछ नहीं बोला था। और अजीत भाई ने उनसे गलती भी नहीं हुई। भाई अब एक बात बताओ, आप नॉर्मली आप सबको पता है भाई आप कहीं भी जाते हो आजकल तो ज़माने ऐसा आ गया कहीं भी स्नैपचैट वगैरह कहीं भी जाते हो भाई स्नैप भेजते हैं उसकी स्टोरी लगा देते हैं, तो भाई ये तो एक ट्रेंड से ही चल रहा है। तो अजीत भाई ने बस ये नॉर्मली किया था कि मतलब जैसे शोरूम में गए थे तो उसकी मतलब एक स्टोरी लगा दी थी जाके और उन शोरूम वालों ने वो देख लिया था, तो शोरूम वालों ने क्या किया भाई मतलब जैसे मैं अजीत हूँ तो मेरे बिल्कुल चारों तरफ वो शोरूम वाले जितने भी उनके स्टाफ के मेंबर्स हैं वो सारे इकट्ठे हो गए आके और उनसे बोलने लगे कि अपना फ़ोन दो ये दो, मतलब ज़बरदस्ती उनके जेब में से फ़ोन निकाल लिया। तो भाई ये कहाँ का रूल है, मतलब मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे मतलब 15-16 लाख रुपए दे रहा हूँ आपको, मैं आपके शोरूम में बैठा हूँ, क्या मैं स्टोरी नहीं लगा सकता कि भाई मतलब जैसे एक होती है यार अंदर से खुशी होती है कि भाई आप गाड़ी लेने के लिए जा रहे हो, जो भी आप समझ रहे हो ना जो मैं बात बोलना चाहता हूँ। तो बस यार यही, फिर प्लस में उनसे फ़ोन ले लिया अजीत भाई के साथ, उनके छोटे वाले भाई भी थे और उनका एक भाई और था जो मतलब उसको पहचानते नहीं थे, अजीत भाई को इसलिए पहचानते थे क्योंकि वो अरुण भाई के साथ भी आए थे, उन दोनों से फ़ोन लेके और भाई उनको धक्का मुक्की स्टार्ट कर दी, मतलब शोरूम से बाहर निकालने लगे उन तीनों को, ठीक है भाई। और बाहर निकालते टाइम उन्होंने क्या किया, उनको पता चल गई होगी कि भाई ये वीडियोज़ बनाते हैं, इन्होंने हमारी पहली भी वीडियो डाली हुई है जब हम प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं कर पाए थे भाई, तो उन्होंने पहले वीडियो डाली तो वो वीडियो डाउन कराने के लिए फ़ोन भी आया था इनके पास कि आप हमारे शोरूम के बारे में ऐसे ऐसे नहीं बोल सकते ये और वो, प्लीज़ इस वीडियो को डिलीट कर दो, उन्होंने पुलिस कंप्लेंट भी की थी अरुण भाई के ख़िलाफ़ और उनका फ़ोन तोड़ दिया भाई, उसमें ईंटें टैले मार मार के मतलब उनके फ़ोन में आग लगी, आग भी भाई तब लगती है जब उसमें ज़्यादा ही मतलब प्रेशर से उसमें हिट करते हैं तो बैटरी फट जाती है, तो उस वजह से आग लगती है भाई। उनका फ़ोन तोड़ दिया ताकि कोई मतलब प्रूफ ना रह जाए बाद में, और उनको इतनी तरह इतनी बुरी तरह मारा पीटा यार, उनका मतलब सर फट गया, कोई वहाँ PSO वगैरह होते हैं जिसके पास पिस्टल वगैरह होते गन होते हैं, उनको उसके सर में मारा था जिससे पूरी ब्लीडिंग हो गई थी भाई। तो यार बहुत मतलब बस क्या बताऊँ आपको भाई, हुंडई वालों जो भी अपनी हुंडई की कार यूज़ करते हैं, मैं पर्सनली अपनी हुंडई वेन्यू यूज़ करता हूँ, जो मैंने आपकी पहले भी वीडियो देखी होंगी आपने ड्रैग रेस वगैरह की, मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ डाली हुई हैं, तो भाई मेरा तो बिल्कुल विश्वास उठ गया है हुंडई से, मैं बता नहीं सकता भाई। आगे मैं आपसे आप मतलब एज ए यूट्यूबर मैं बोल रहा हूँ, देखो रिकॉर्ड भी हो रही सारी बात, मैं हुंडई की गाड़ी कभी नहीं लूँगा। अभी रिसेंट में भी हमारा क्रेटा लेने का प्लान बन रहा था, मतलब एक साल के अंदर अंदर जहाँ तक है हम क्रेटा लेने वाले थे, तो भाई मैं बिल्कुल भी आज बोल रहा हूँ अपने कैमरे पे बिल्कुल मैं क्रेटा बिल्कुल नहीं लूँगा, इस चीज़ को देख के मुझे अपना सर नहीं फड़वाना। तो भाई और प्लस में किसी PSO वगैरह होते हैं उसकी वहाँ पर गन मारी थी मतलब सर पे, तो उनके मतलब यहाँ से पूरा ब्लीडिंग हो गया था यार। एक बात बताओ आप, मतलब छोटी सी बात बताओ, बाय चांस अगर मतलब
मरना एक वो नहीं होता बाय चांस, अगर उसके दिमाग में कुछ लग जाती भाई चोट, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती, तो यार मतलब आप क्या नया बंदा दे देते भाई हमें लाके? आप पे मतलब एक छोटी सी प्रॉब्लम तक रिजॉल्व नहीं हुई, मतलब गाड़ी तो ठीक कराने के लिए आया था भाई, उसकी गलती क्या थी मुझे आप ये बता दो। प्लस में भाई मैं ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्र है भाई कि वो अरुण भाई हमारे वहाँ पे नहीं आए थे उस टाइम पे, वरना अरुण भाई के साथ भी कुछ भी हो सकता था। और भाई मैं ये बोलता हूँ कि अरुण भाई आपके लिए फुल सपोर्ट है जितना भी हमसे हो सकेगा, फरीदाबाद से हूँ मैं भाई, और प्लस में हुंडई को भाई बिल्कुल मैं आज आपके सामने बोल रहा हूँ भाई, हुंडई को बिल्कुल बायकॉट करता हूँ मैं आज से, अपने सब्सक्राइबर से भी बोलूँगा। और जहाँ तक है भाई इस वेन्यू को, बस मुझे लग नहीं रहा भाई हमें भी अपने सर नहीं फड़वाना, मैं भी इसे करके बाद घर वालों से इसे निकलवाता हूँ इस गाड़ी को, मेरे को बिल्कुल भी टच नहीं रहा इसके लिए। तो भाई यही थी एक आज की वीडियो, मैं ये बताना चाहता था अपने उसको सब्सक्राइबर्स को कि आज ये हमारे साथ है, कल ही आपके साथ भी हो सकती है ये वाली घटना जो भी हुई थी। अगर आपको अपने सर फड़वाने तो भाई बिल्कुल जाओ हुंडई की तरफ, मुझे कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, बाकी जो चीज़ है वो आपकी तरफ है। और उन भाई की वीडियोस की लिंक मैं जो भी हमारी रिसेंट में वो हुई है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको पूरी डिटेल में जानकारी चाहिए तो उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। बाकी अभी अरुण भाई ने जब परसों वो वीडियो डाली थी तो मतलब वो शोरूम भी मेरे ख्याल से बंद हो चुका है, अरुण भाई ने भी स्टोरी लगाई थी, आप स्क्रीन पर देख लेना मैं डाल दूंगा, मतलब 1 स्टार रेटेड हो गया वो 4 पॉइंट लगभग से, मतलब हमारे जो भाई हैं सब्सक्राइबर्स हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, उन्होंने मतलब काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया भाई, तो उस चीज़ के लिए दिल से थैंक यू। और भाई एक चीज़ बस उनसे ये गलती हो गई कि उन हुंडई वालों को ना वो बंदे सही मिल गए, वरना कोई अगर और वैसा बंदा होता ना तो भाई बस क्या बताऊँ क्या हो जाता उधर। बस ये लगा लो उन्होंने वहाँ पे झगड़ा नहीं किया ना, जो हमारे वहाँ के स्टाफ मेंबर्स थे वो जो ब्लू शर्ट और वो ब्लैक पैंट पहन के रखते हैं, आपको उसका मतलब पता है? तो आप मतलब वो पहन के रखते हो ड्रेस पहन के रखते हो, उसका मतलब पता है क्या होता है? अपने इंडिया में कस्टमर्स को भगवान मानते हैं, आप जो सर फोड़ रहे हो ना दूसरे बंदों का, भाई ये चीज़ बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी आगे से। अगर किसी भी भाई के साथ ये हुआ ना भाई, हम 1 रुपये की चाय भले टॉफ़ी ले रहे हैं ना दुकानदार से, तो हमारा फुल अधिकार है उस चीज़ के बारे में जानने का, उसके बारे में पहचानने का, वो तो फिर भी 15-16 लाख रुपये की गाड़ी है, तो भाई ये चीज़ बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होगी आगे से। मैं ये खुद बोल रहा हूँ, पर्सनली फील कर रहा हूँ भाई, बहुत ही ज़्यादा मतलब भाई के लिए दर्द है, बस क्या बताऊँ भाई, बता ही नहीं सकता मैं, शब्दों में बयान नहीं कर सकता अपनी वो फीलिंग्स है ना जो वो अजीत भाई के लिए। तो भाई भगवान से दुआ करते हैं हमारे भाई को बिल्कुल ठीक कर दें जल्दी से। और एक चीज़ और, अपने प्रशासन से भाई बिल्कुल हाथ जोड़ के अपील करता हूँ मैं कि भाई इनके तरफ इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इनको भी पता चल जाएगी भाई जब मुकदमे लगते हैं ना लोगों पे तो क्या हाल होता है, ज़मीन पे आ जाएंगे भाई ज़मीन पे, इनको क्या पता अभी, मतलब उन्होंने तो सर फोड़ दिया प्लस में कैमरे की रिकॉर्डिंग नहीं दे रहे, तो भाई प्रूफ तो उन्होंने सारे डिलीट कर दिए, तो भाई पता चल जाएगा ना उनको। अभी पुलिस देखो भाई क्या होता है, अभी आगे आगे वो पकड़ में आते हैं नहीं आते, भाग गए शोरूम छोड़ के, अभी ऐसी कोई अपडेट नहीं मिली हमें। तो गाइस यही थी बस आज की वीडियो, मुझे थोड़ा सा वो बताना था इस चीज़ के लिए कि भाई देख लो आप हुंडई कंपनी क्या क्या कर रही है, हमारी बाहर की कंपनी होते हुए अपने इंडिया के लोगों को ऐसे मार रही है, पीट रही है, भगा रही है शोरूम से, गाड़ी ठीक नहीं कर रही, तो भाई ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही मेरे से तो छोड़ यही काट दे। शोरूम का एक बार नाम और बता देता हूँ, शोरूम का नाम है JMV हुंडई, अलीपुर में पड़ती है हमारी ये वाली जो कंपनी है ना हुंडई की, वहाँ पड़ती है अलीपुर में, JMV हुंडई अलीपुर। तो भाई सारे भाई जाके उस कंपनी के खिलाफ मतलब रिव्यू डालो वहाँ पे, 1 स्टार बिल्कुल कर दो, और प्लस में जो भी आपसे लिखा जाए ना भाई वो सब चीज़ लिख दो उस वहाँ पे, बिल्कुल इसे बायकॉट करा दो भाई, इस कंपनी को परमानेंट बंद करा दो भाई। और भाई आगे से आपसे बस यही अपील है भाई, ऐसे किसी के दबाव में मतलब वो मत आना कि भाई आप गाड़ी ले रहे हो सर फड़वा दो अपना, तो भाई हम तो यार चलो वीडियोस के थ्रू आपको अपनी चीज़ बता देते हैं, बाकी एक बात बताओ आप, अगर नॉर्मल बंदा है भाई कोई सड़क पे जा रहा भाई, उसने कोई गाड़ी ले ली, उसका यूट्यूब चैनल नहीं है, तो भाई वो पिट के तो भाई चुप बैठ जाएगा, इसका मतलब पुलिस भी क्या कर लेगी, पैसे ले दे के भाई, वो हायर अथॉरिटीज जो होती हैं जो उनसे पैसे ले दे के मामला वहीं ख़त्म यार। तो भाई ये चीज़ तो यार गलत है ना, हम तो चलो अपनी बात को बता रहे हैं, अरुण भाई का चलो भाई चलो ठीक ठाक चैनल था उनका, मतलब 12-13 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, तो उन्होंने तो बता दिया यार, मान लो अभी मैं ही कुछ नहीं हूँ मेरे साथ ही हो जाता तो भाई मैं कहाँ जाता, मैं पुलिस के पास ही तो जा सकता था लास्ट टू लास्ट, तो मैं क्या कर सकता था भाई। तो भाई बस यही थी, सोशल मीडिया में यार बहुत पावर होती है, इसका मिसयूज़ भी होता है तो इसमें पावर भी बहुत होती है भाई, तो वो पावर आप देख ही लियो कि भाई वो शोरूम जहाँ तक है मेरे ख्याल से अरुण भाई ने स्टोरी डाली तो वो बंद हो चुका है। तो भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और एक बात और भाई, कुछ भाई मेरे सोच रहे होंगे कि इसने वीडियो बनाई है व्यूज़ के लिए, तो भाई मुझे नहीं चाहिए व्यूज़, आप लाइक के बदले डिसलाइक कर देना, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है भाई, बस मैं ये चाहता हूँ इस वीडियो को शेयर करना जितना आपसे हो सके बस। और मुझे मेरी वीडियो यही थी आज,
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।